सूफी संत कबीर दास के 620वें प्रकट उत्सव के मौके पर पीएम मोदी मगहर पहुंचे। पीएम सबसे पहले संत कबीर दास की समाधि पर फूल चढ़ाए, साथ ही उन्होंने संत कबीर की मजार पर चादर भी चढ़ाई। इसके साथ ही इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने मगहर में 24 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली संत कबीर अकादमी का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने संत कबीर की सीख के सहारे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में शांति नहीं कलह चाहते हैं, ऐसे लोग जमीन से कटे हुए हैं, उन्हें हकीकत का पता ही नहीं है, उन्होंने संत कबीर को पढ़ा ही नहीं। और हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ मगहर में पीएम पहुंच चुके थे और साथ ही कबीर गुफा में भी पीएम पहुंचे थे और अकादमी के लिए उन्होंने सौगात भी दी है। तो आपको बता दें कि संत कबीर दास की मज़ार पर पीएम मोदी ने चादर चढ़ाई, साथ ही फूल भी चढ़ाया उन्होंने, और पीएम ने किया है संत कबीर दास की समाधि के दर्शन भी किया है उन्होंने। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मगहर में पीएम मोदी हैं और साथ ही कबीर गुफा में भी पीएम मोदी गए हुए थे और साथ ही अकादमी के लिए करोड़ों की सौगात भी दी है पीएम मोदी ने। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उन्होंने मज़ार में चादर भी चढ़ाई है और साथ ही फूल भी चढ़ाया है उन्होंने। तो कबीर के पथ पर मोदी दिखे, मगहर पहुंचे हैं पीएम मोदी जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मगहर पहुंचे हैं और संत कबीर दास की खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। उनके दोहों को समझने के लिए किसी शब्द कोश की जरूरत नहीं है। साधारण बोलचाल की हमारी आपकी भाषा, हवा की सरलता और सहजता के साथ जीवन के गहन रहस्यों को उन्होंने जन जन को समझा दिया। अपने भीतर बैठे राम को देखो, हरि तो मन में है, बाहर के आडंबरों को क्यों समय व्यर्थ करते हो। अपने को सुधारो तो हरि मिल जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। और इस खबर पे हमारे साथ उत्कर्ष जी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। उत्कर्ष जी, क्या ये पीएम मोदी जो मगहर के दौरे पे पहुंचे, तो क्या इसको 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है इनके इस दौरे को? देखिए, नरेंद्र मोदी जब मगहर पहुंचे तो उनके कार्यक्रम के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में उन्होंने कबीर दास की समाधि पर अर्चना की, उसके बाद उन्होंने वहां पे कबीर अकेडमी का शिलान्यास किया। लेकिन उसके बाद जब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक रैली में तब्दील हो गया। मंच पर कबीर मठ से जुड़ा हुआ या कबीर विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं था, और पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संबोधन किया वो पूरी तरह से राजनीतिक था। मुख्यमंत्री अपने सरकार के काम गिनाते रहे और प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तमाम तरीके से चुटकियां ली। उन्होंने आपातकाल के बहाने, उन्होंने बंगलों के बहाने, उन्होंने परिवारवाद के बहाने विपक्ष को निशाने पर रखा, और वो भाषण खत्म होते होते उसमें बीच में भले ही कबीर दास के रेफरेंसेस आते रहे, लेकिन जब भाषण खत्म हुआ तो वो पूरी तरह से राजनीतिक भाषण में बदल चुका था। चांदनी, अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो उम्मीदें संत कबीर नगर की जनता को थी, वहां पर निकलने के बाद बातचीत करने के बाद ये लगा कि वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो बुनियादी सवाल इस इलाके के हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री की बदहाली का सवाल है, आमी नदी के प्रदूषण का सवाल है और बंद पड़ी मिलों को शुरू करने का सवाल है, ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री के भाषण में जगह नहीं पा सके और इसको लेके खुद भाजपा के पदाधिकारी भी थोड़े असहज रहे। तो
एक राजनीतिक शुरुआत की है जरूर। उन्होंने 2019 को लेकर के मठों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बड़े करीने से करती रही है। गुजरात में, कर्नाटक में चुनाव में मठों का इस्तेमाल हुआ, और 2019 जब उत्तर प्रदेश में रणभेरी बजने वही वाली है, तो उसके पहले भी कबीर मठ से शुरुआत एक बड़ा प्रतीक देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।